तो तुमसे प्रॉब्लम क्या है? हर बार बदनाम करता रहता है, हर बार एक नया इल्जाम लगा देता है। बिगाड़ा क्या तुमने इसका? बस असमा, कुछ लोगों की फितरत ही बिच्छू की तरह होती है। अनजाने में भी छूते हैं ना तो डंग ही मारते हैं। लेकिन ये लोग बहुत सोच समझ के चाले चल रहे हैं। पुराने मामलात पे शर्मिंदा होने की जगह नए इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। कुछ ठीक हो या नहीं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। अब मैं मजीद अपने ऊपर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक कह रही हो, ये कोई मजाक है? पहले खुद फार्म हाउस लेकर गए, खुद से इल्जाम तराशी शुरू कर दी, फिर मेरी सोच से भी ज्यादा गिरे हुए लोग हैं। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ सालार भाई हैं। प्लीज असमा, आज तो ये बात कह दिया, आइंदा मत कहना। कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, ये तो मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि किसी ना किसी को जरिया बनाकर हमेशा मुझे मुश्किलात से निकाल देता है। मगर जरिया तो सालार भाई को बनाया ना, तुम्हें उनकी कदर करनी चाहिए।